A very good morning, students. In today's class, we are going to discuss infinite series, Taylor's infinite series and Maclaurin's infinite series. Infinite series को discuss करने से पहले, before that हम discuss करेंगे what is series. A series is a set of terms which are arranged according to some definite law connected by positive or negative signs. डेफिनेट लॉ मीन्स कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया, एग्जाम्पल 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज अ सीरीज. ये क्या है? इज अ सीरीज जो कनेक्ट हो रही है कैसे? बाय अ पॉजिटिव साइन. और एक डेफिनेट लॉ क्या लग रहा है इसमें कि हम क्या ले रहे हैं? फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग लिया. अब सीरीज क्या होती है? सीरीज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है. फाइनाइट सीरीज मींस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट, एंड इनफाइनाइट सीरीज मींस व्हिच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या फिर प्लस प्लस सो ऑन इनफिनिटी तक. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज अ फाइनाइट सीरीज विद 5 टर्म्स. इसमें 5 टर्म्स है. सिमिलरली इन्फाइनाइट सीरीज का क्या एग्जाम्पल है? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 and so on. आप देखो यहाँ पर एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है विच इज जीपी सीरीज है, जिसकी कॉमन रेशियो क्या आ रही है हमारे पास? 1/2. कॉमन रेशियो कैसे निकलती है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ऐसे ही होता है ना. तो चाहे 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 करें तो भी 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 करें तो भी 1/2. तो यहाँ पर जो डेफिनेट लॉ फॉलो हुआ वो क्या है कि इट इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2, इज अ इनफाइनाइट सीरीज. जब भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज आती है तो हम एक nth पार्शियल सम ले लेते हैं. nth पार्शियल सम मींस जिसको हम sn से डिनोट करते हैं, जिसमें इस सीरीज के सिर्फ हम nth टर्म तक कंसिडर करते हैं. nth टर्म सपोज करो ये a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, ये a3 टर्म है, ये a4 टर्म है, तो हम कहाँ तक nth पार्शियल सम कंसिडर करेंगे? इसकी nth टर्म तक, ठीक है. तो वही कंसिडर कर रखा है कि इफ sn इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an, देन sn इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज, ठीक है. यही मेंशन है, इफ an इज अ सीक्वेंस देन a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an प्लस सो ऑन. यहां तक तो nth पार्शियल सम था, उसमें भी प्लस सो ऑन लगा दिया, तो ये क्या हो गया? इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज एंड इज रिटन एज कि an की टर्म्स है समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन. मीन्स यहाँ के अगर हम इस समेशन को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन. जब n n पर होगा तो फिर n प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी. इज इट राइट गर्ल्स? नाउ अब ये सीरीज कन्वर्ज कैसे करती है? लेट अस सी दैट. द इन्फिनाइट सीरीज दैट इज समेशन ए एन, यहाँ पर कुछ मैंशन नहीं है, मीन्स n is equals to 1 to infinity ही है, ठीक है, is said to converge to a real number l. अगर कोई infinite series है उसको हम converge करते हैं, is said to converge at a real number l अगर उसका nth partial sum भी real number l को converge कर रहा है, कि if the sequence sn of its partial sum converges to l. Is it right girls? That is the series समेशन ऑफ ए एन. समेशन में कुछ मेंशन नहीं है, ऑब्वियसली इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज सेट टू कन्वर्ज टू अ रियल नंबर एल इफ द सीरीज हैज द सम एल. इज इट राइट गर्ल्स? अब जीपी सीरीज का केस कंसिडर करते हैं. फॉर अ जीपी सीरीज, इन्फाइनाइट जीपी सीरीज, जीपी सीरीज कैसे? जिसमें कॉमन रेशियो हम क्या कंसिडर करते हैं? कॉमन रेशियो इज स्मॉल आर, ठीक है. तो जीपी सीरीज ऑफ द फॉर्म ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इसका सम क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू ए 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r. अब r पे केस होता है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी. अगर हमारे पास r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, एज इफ अगर मैं r की वैल्यू 0.1 लूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं r स्क्वायर लूँगी तो वो क्या होगा? 0.01. अगर मैं r क्यूब लूँगी तो क्या होगा? 0.001. r 4 लूंगी तो 0.0001 एंड सो ऑन, ठीक है ना. मतलब अगर मैं कहीं r 8 लूंगी तो क्या आ जाएगा? 0.0000 ऐसे आएगा ना. मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? जीरो के. तो वही मेंशन है कि इफ r इज लेस देन 1 देन rn
आर की पावर एन अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी तो डेसिमल डेसिमल वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे 0.1 था तो क्या आ जाएगा 0.01, तो और स्मॉल होती जाएगी, तो वो कहाँ अप्रोक्सीमेटली कर रही है जीरो को, क्योंकि एन कहाँ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी मीन्स कि अगर यहाँ पर 1000 भी हो, 1000 होगा तो वो 0.00001999 टाइम्स, फिर उसके बाद क्या आएगा 1, तो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, तो वही करा हुआ है यहाँ पर कि अगर आर हमारे पास लेस देन 1 होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, देन आर एन इज इक्वल्स टू आर की पावर एन अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो क्या आ जाएगा रह जाएगा वट इज लेफ्ट कि ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, मतलब सीरीज किसको कन्वर्ज कर जाएगी अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊँ, लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, तो क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए वन माइनस ऑफ आर एन वन माइनस आर। तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ इन इफ आर इज लेस देन वन, तो ये वाली टर्म क्या हो रही है जीरो को अप्रोच कर रही है, तो लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन क्या आ जाएगा मेरे पास ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, मतलब एस एन कन्वर्जेस टू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, यही हमने यहाँ मैंशन करा है कि एस एन कन्वर्जेस टू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। Therefore, the infinite GP series converges if R is strictly less than 1. अब second case आता है हमारे पास कि if R is greater than 1. अगर R greater than 1 है, sequence हमारे पास यही है, SN is equals to, sum हमारे पास यही होता GP series का, that is A RN minus 1 divided by R minus 1. तो अब, क्योंकि R is greater than 1, तो अगर suppose करो R 2 है, तो 2 का square करा 4, 2 का cube करा 8, 2 का 4 करा दैट इज 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 करा दैट इज 32 एंड सो ऑन, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो अगर मैं 2 की पावर इन्फिनिटी करूँ तो इन्फिनिटी आएगा ना, मतलब दिस टर्म अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, जहाँ पर इन्फिनिटी आ गया मतलब एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, यही मैंशन है कि इफ आर इज ग्रेटर देन वन, एस एन हमारे पास क्या है ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, तो इस केस में जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो आर की पावर एन कहाँ अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी मीन्स ये सीरीज कहाँ कर रही है डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, हैंस द इन्फाइनाइट सीरीज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। इज इट राइट गर्ल्स, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट कम्स टेलर्स इन्फाइनाइट सीरीज। अब टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव करी थी विद द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम पता है ना कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इज ओपन इन एंड इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो वही उसी का यूज करके हम प्रूफ करते हैं टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब वहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आया था ना, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ए प्लस सो ऑन, एनथ टर्म ये थी और एन प्लस वनथ टर्म कौन सी थी एच की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा एच, हमने इस टर्म को नेम कर दिया आर एन। इज इट राइट गर्ल्स, और बाकी सारी टर्म को हमने क्या नेम कर दिया एस एन। ये सारी टर्म हमारे पास एस एन हो गई और ये आर एन, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे लिख सकते हैं हम, एस एन प्लस आर एन, ठीक है। अब अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, तो आर एन किसको अप्रोच कर जाएगा जीरो, तो यही लिखा है। नाउ इफ आर एन कन्वर्जेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो पूरे पे हम लगाएंगे ना, दैट इज हम इस पूरे पे लिमिट लगाएंगे, तो अगर इस पूरे पे लिमिट लगाते हूँ दैट इज लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा हमारे पास लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस आर एन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन। तो ये टर्म तो मैंने बोल दी कि हम एज इफ ये जीरो आ रही है, तो बाकी टर्म कौन सी बची ये वाली कंसिडर करनी पड़ेगी। तो एस एन हमारे पास है क्या यहाँ पर, हेयर एस एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस
एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ए प्लस सो ऑन एच की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या कंसिडर करना है, लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो एन अप्रोच एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ए प्लस सो ऑन। तो ये क्या हो गई हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच हैज एन इन्फिनाइट टेलर्स एक्सपेंशन। इज इट राइट गर्ल्स? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है इसकी कॉरोलरी, दैट इज मैकलॉरिन्स इनफाइनाइट सीरीज। जैसे हम टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में करा था एंड टेलर्स थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में, मैकलॉरिन्स थ्योरम कैसे फाइंड आउट करी थी, पुट ए इक्वल टू जीरो एंड एच इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा फॉर द मैकलॉरिन्स इनफाइनाइट सीरीज। इज इट राइट गर्ल्स? इतनी बात समझ आई ना, मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब हम लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन करेंगे तो ये सीरीज एस सोन चलती जाएगी ना, हमारे पास सोन चलती जाएगी, और ये वाली टर्म हमने क्या करी हुई है यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस जीरो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ए एंड सो ऑन। इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सपैंड ए की पावर एक्स इन पावर ऑफ एक्स बाय मैकलॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स। अगर मुझे मैकलॉरिन्स थ्योरम यूज़ करनी है, मींस मुझे ये वाली थ्योरम यूज़ करनी है, मींस मैं एफ ऑफ एक्स कंसिडर करूँगी, एफ डैश एक्स कंसिडर करूँगी, फाइंड आउट करूंगी, एफ डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी, उसके बाद उसमें एक्स को जीरो पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी, तो मैंने क्या करा यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ठीक है, एफ डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, फिर एक और लॉग ऑफ ए है तो दैट इज लॉग ऑफ ए का स्क्वायर। एफ ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, और लॉग एक्स लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर पहले ही है तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं जब यहाँ पर एफ डैश जीरो एफ ऑफ जीरो करूँगी, एक्स को जीरो पुट करूँगी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्या आ जाएगा, ए की पावर जीरो दैट इज वन। एफ डैश जीरो में एक्स को जीरो पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा, ए की पावर जीरो दैट इज वन, और लॉग ऑफ ए एज इट इज दैट इज वी हैव लॉग ऑफ ए। एफ डबल डेरिवेटिव में एक्स को जीरो पुट करूंगी तो ए की पावर जीरो दैट इज वन, लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव में एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो में यहाँ पर क्या आएगा, ए की पावर जीरो इज वन, लॉग ऑफ ए का होल क्यूब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए का होल क्यूब आंसर। अब मैकलॉरिन्स एक्सपेंशन में इसकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास वन, एक्स एफ डैश जीरो की वैल्यू लॉग ऑफ ए, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव दैट इज लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव लॉग ऑफ ए का होल क्यूब, प्लस सो ऑन, वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज इट राइट गर्ल्स? ये हमारा रिक्वायर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू। ठीक है, दैट इज यहाँ पर एक्सपेंडिंग बायनोमियली हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय एट एक्स की पावर फोर। थ्री बाय एट कैसे आया, बायनोमियली हमें पता है ना, दैट इज वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू वन प्लस एन एक्स प्लस
एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, वही अप्लाई करा हुआ हमने यहाँ पर. इज इट राइट गर्ल्स? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब इतना आने के बाद सो ऑन. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट? एफ डबल डेरिवेटिव. एफ डबल डेरिवेटिव निकालूंगी तो फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स, वन बाय टू एक्स स्क्वायर, वन बाय टू एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, टू से टू कैंसिल तो क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपल एक्स, सॉरी वन का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, सॉरी थ्री बाय एट एक्स की पावर फोर, दैट इज थ्री बाय एट एक्स फोर का डेरिवेटिव फोर एक्स क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से ट्वाइस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस थ्री बाय टू एक्स क्यूब एंड सो ऑन. फिर एफ ट्रिपल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव थ्री बाय टू एज इट इज एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा? नाइन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन. एफ ट्रिपल फोर्थ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास? वन का डेरिवेटिव जीरो, नाइन बाय टू एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस सो ऑन, तो क्या आ जाएगा आपके पास? नाइन एक्स. ठीक है गर्ल्स, इज इट राइट? यहाँ तक आपने सॉल्व करा. अब एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? एफ डैश जीरो मीन्स वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो मीन्स वन, वन की पावर समथिंग इज वन. एफ डबल डेरीवेटिव एट जीरो क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपल जीरो. एफ ट्रिपल डेरीवेटिव एट जीरो क्या होगा हमारे पास? वन. एफ फोर्थ डेरीवेटिव एट जीरो क्या होगा हमारे पास? जीरो. ठीक है ना, फोर्थ डेरीवेटिव इज जीरो. तो अब हमारे पास मैक्लॉरिन एक्सपेंशन क्या होती है? बाय मैक्लॉरिन एक्सपेंशन वी हैव f of x is equals to f0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double derivative 0 plus x cube by 3 factorial f triple derivative 0 plus x 4 by 4 factorial f fourth derivative 0 and so on. ठीक है, तो f0 की वैल्यू क्या है हमारे पास? अगर मैं यहाँ f0 करूँ तो sin inverse of 0 that is 0. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू? 0 प्लस एक्स. एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है? वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल. एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल. एफ ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? वन, तो वन आ जाएगा. एक्स फोर बाय फोर फैक्टोरियल. एफ फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? जीरो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसमें फिफ्थ डेरिवेटिव भी निकालती तो क्या आता? नाइन प्लस सो ऑन. तो एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास? नाइन. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एक्स फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल. एफ फिफ्थ डेरिवेटिव दैट इज नाइन प्लस सोन, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस नाइन एक्स फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल हैंस द आंसर एंड सो ऑन. ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हो गए. इज इट राइट गर्ल्स? इतना समझ आया? नेक्स्ट कम्स एक्सपैंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड साइन 18 डिग्री अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस, अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो लेट स्टार्ट इट सॉल्यूशन. लेट एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास? साइन ऑफ एक्स. एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स. एफ डबल डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स. एफ ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स. एफ फोर्थ डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन एक्स. एफ फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स. ठीक है, यही होगा. फिर से हम क्या करेंगे? एफ जीरो पर क्या आ जाएगा? साइन जीरो इज जीरो. एफ डैश जीरो पर कॉस जीरो इज वन. एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो इज माइनस साइन जीरो दैट इज जीरो. एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो इज कॉस जीरो इज वन माइनस कॉस एक्स इज वन माइनस वन. एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो. नेक्स्ट एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट जीरो इज क्या?
क्या आ जाएगा, कॉस जीरो दैट इज वन. ठीक है, नाउ बाय मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन, बाय मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डा जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो. सो तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एफ जीरो इज जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो इज वन. ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव इज जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव इज माइनस वन प्लस एक्स फोर बाय फोर फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव इज जीरो एक्स फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल एफ फिफ्थ डेरिवेटिव इज वन. आंसर ऑन, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल. आंसर ऑन. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स. आगे हमें क्या बोल रखा है, हैंस फाइंड साइन 18 डिग्री अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस. मतलब एक्स को क्या पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 18 डिग्री. 18 डिग्री मीन्स 18 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 10 दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.314. ठीक है, तो मतलब साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास, 0.314 माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल 0.314 का क्यूब प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल 0.314 का फिफ्थ पावर माइनस सो ऑन. ठीक है, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए ना, तो अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस तक ऑन सॉल्विंग आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, सिमिलरली आप कॉस एक्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, कॉस एक्स के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली आप टेन एक्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो. एज इफ अगर आपको बोला होता दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री 30 सेकेंड्स, मीन्स 18 डिग्री एंड 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स है ना, तो 18 डिग्री मिनट्स मीन्स यहाँ पर 1 बाय 2 कर देंगे हम. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 प्लस 1 बाय 2 दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल बी हैविंग 37 बाय 2. तो हम x की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करेंगे, 37 बाय 2 मल्टीप्लाई करके, अब हमारे को डिग्री को रेडियंस में भी करना है तो पाई बाय 180 से डिवाइड भी करेंगे. इज इट राइट गर्ल्स. सिमिलरली आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x एट 46 डिग्री 30 मिनट्स, दैट इज 46 प्लस 1 बाय 2 दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, 93 बाय 2. अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियंस में आंसर आ जाएगा, तो वही हम x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे. अगर हमारे पास सिंगल डैश होता है इट रेफर्स टू मिनट, अगर डबल डैश होता है ऊपर तो ये मिनट्स में होता है, सॉरी सेकेंड्स में होता है. दिस इज फॉर मिनट एंड दिस इज फॉर सेकेंड. इज इट राइट गर्ल्स. ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास. बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, आपको खुद ट्राई करने हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उनको करने में तो डू आस्क मी लाइव क्लास और ऑफलाइन डाउट क्लास में आकर पूछिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे. इज इट राइट गर्ल्स. थैंक यू.